तो इस पिक्चर के जो लेफ्ट साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इनपुट्स के हैं और जितने राइट साइड पे हैं वो सारे आउटपुट के हैं ठीक है तो इनपुट को हम पहले स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट इस पे कौन कौन सी वैल्यू कौन कौन सी वोल्टेज देते हैं किस तरह इसकी पावर ऑन करते हैं उसके बाद हम इसकी आउटपुट को स्टडी करेंगे सबसे पहले आर एस टी आर एस टी हमारे पास ये पावर इनपुट होती है कोई भी हमारे पास अगर इन्वर्टर

इस पर क्या होता है हमारे पास थ्री फेज जो भी है या वन फेज पावर सप्लाई है और जो सड़क ब्रेकर दरमियान में हम लगाएंगे प्रोटेक्शन के लिए उस पर कॉन्टेक्टर लगाएंगे कोई भी कॉन्ट्रेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम उसके बाद हमारे पास इनपुट आईईएमसी फिल्टर होता है जो मोसीार पावर सड़क पर लगाया जाता है उसको हम यूज़ करेंगे उसके बाद हमारे पास इन्वर्टर होगा जहाँ पर हम इन्वर्टर को इन इनकी पावर इन देगी ये मुकम्मल सिक्योर इनपुट चले जाएंगे हमारे पास में ब्रेकर भी होंगे कॉन्ट्रेक्टर भी होगा हमारे पास फिल्टर भी लगे होंगे तो कोई भी पावर सप्लाई में फेलियर होता है तो हमारा इनपुट हमारा जो इन्वर्टर वो सिक्योर रहेगा यह हमारे पास इनपुट आर एस टी है ठीक है उसके बाद हमारे पास ये कंट्रोल इनपुट पॉइंट्स है एस वन एस टू एस थ्री है ठीक है इसमें टोटल हमारे पास सेवन इसके इनपुट ऑन ऑफ करने के लिए इसके लिए यूज होते हैं और ये डॉट जो कॉमन है ये हमारे पास सप्लाई है हम अगर हमारे हमने एक कोई एक्सटर्नल पावर यूज़ नहीं करनी तो हमें कोई इंटरनल पावर यूज़ करनी है तो हम कॉमन को इन तमाम पॉइंट के साथ स्विचेस के थ्रू लगा देंगे ठीक है ये कॉमन का जो हमारे पास वायर है ये इनपुट जितने भी हमारे पास स्विचेस है उसके साथ हम हमको अटैच कर देंगे और ये एस वन लाइक हम मोटो का फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर टर्मिनल पे एस वन पे सिग्नल आएगा तो हम मोटो फावर मूव करती है अगर एस टू पर हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये हमारे पास रिवर्स मूव कर देगी कोई भी आपने जितने भी सेवन के सेवन हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं इसको आप पैरामीटर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है और अगर आपने एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करनी होती है तब आप इस पर इस पर लिखा हुआ है कि आपके को ना ये फी कॉमन यूज़ करना नहीं पड़ेगा आपको एक्सटर्नल पावर का कॉमन एंड उसका ट्वेंटी वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा ठीक है अभी हमारे पास ये S1, S2, S3, S4 जो भी है ये हमारे पास इंटरनल वाइन शोर कर रहे हैं कि ये 24 फोर वोल्ट जो है हमारे पास माई इन्वर्टर का वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है और कामन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट के साथ इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास जो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी अगर हमने बाय टर्मिनल्स कंट्रोल करनी हो तो ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं तो इसमें क्या है हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं एक हमारे पास ए वन ए एल टू है ठीक है कोई भी हम इसमें यूज कर सकते हैं ये हमने अपने पेमेंट में बताना होगा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं अगर हमने इसकी इंटरनल पावर यूज़ करनी हो तो हमारे पास ये पावर की सप्लाई की ये है ये पावर सप्लाई है यहाँ पे ये ग्राउंड है इसकी और ये जो इसकी आउटपुट है यहाँ पे हम ए वन या ए टू में किसी को देनी पड़ेगी तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारे पास एनालॉग इनपुट होगी तो हम उसकी यहाँ तो वोल्टेज में होती है यहाँ पे में यूज होती है तो ये वोल्टेज और एम्पेयर के दो हमारे पास बने हुए हैं ये थ्री पॉइंट्स है।, तो है एक जो हमारे पास है वो वोल्टेज के एम्पेयर का अगर हम मिड पॉइंट को वोल्टेज के साथ जंप करेंगे तो हमारा जो ये हमारे पास जो मल्टी मल्टी एनालॉग इनपुट्स है ना ये वोल्टेज पे वर्क करेंगी अगर हम मिड वाले पॉइंट को अगर एनालॉग के साथ जंप करते हैं तो इसका जो हमारे पास मल्टी फंक्शनल एनालॉग इनपुट्स है ना ये हमारे पास जीरो टू ट्वेंटी मिनट पेयर या फोर टू ट्वेंटी मिनपियर पर वर्क करेंगी ठीक है ये हम से ना वोल्टेज चैंपियर की सिलेक्शन करते हैं एनालॉग इनपुट की उसके बाद हमारे पास ये जो इसके टॉप पे आई हमारे पास ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है अगर हम लाइक अब जानते हैं जब मोटर मूव कर रही होती है और जब मोटर को हम पावर ऑफ करते हैं तो मोटर अपनी इनर्शिया की वजह से आगे मूव करती जाती है तो अगर हम चाहते हैं कि मोटर अपनी इनर्शिया की वजह से से मूव ना करें ये फोटो की ब्रेक लग जाए तो हम ब्रेकिंग रजिस्टर यूज़ करते हैं या डीसी रिएक्टर यूज़ करते हैं ये इसके पॉइंट है तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी जो प्रोजेक्ट होगा उसके मुताबिक इसको आप ब्रेकिंग uh, रेजिस्टेंट या डीसी डिरेक्टर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास यू वी डब्ल्यू है यू वी डब्ल्यू हर जगह जो भी हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसका ये आउटपुट पावर होती है जो मोटर को हम सप्लाई करते हैं ठीक है थीके? तो ये यू वी डब्ल्यू हमारे पास इसकी आउटपुट है जो हमारे पास इन्वर्टर के आउटपुट देता है चाहे कोई भी कंट्रोल फ्रिक्वेंसी के साथ जो आउटपुट आउटपुट देगा तो उसके मुताबिक हमारी मोटर मूव करेगी ये हमारे पास भी ग्राउंड पॉइंट है इसके बाद हमारे पास जे फिफ्टीन और जे सेवनटीन ए ए वन है जिससे हमारे पास ए आई था इनपुट था ये ए आउटपुट है ठीक है ये अगर आपने इसे आउटपुट लेने हैं को, कोई भी कंट्रोल तो लाइक सेम है ये वी व, 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 वी एंड आई है अगर आपने वी के साथ जंप करेंगे तो आपकी जो आउटपुट आएगी ये वोल्टेज में आएगा अगर आप आई के साथ जंप करेंगे तो ये आपको अंपेयर देगा ठीक है ये दोनों हमारे पास आउटपुट एनालॉग मल्टी फंक्शनल पॉइंट्स है इसके अलावा जो इसमें मेन है वो हमारे पास आर एस कम्युनिकेशन पॉइंट्स है अगर आपने इस इन्वर्टर को किसी पी एल किसी भी कंट्रोलर के साथ आर एस कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको ये दो पॉइंट यूज़ करने पड़ेगा इसका ये ग्राउंड का पॉइंट है उसके बाद हमारे पास ये रिले आउटपुट है ठीक है ये हमारे पास रिले है ये हमारे पास स्विचिंग करी होती है अगर हमारे जब, ए, ए, जो इन्वर्टर है अगर ये कोई फॉल्ट शो करता है या कोई भी इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चीव होती है तो हमारे पास ये जो रिले है ये स्विच कर ही होती है इस स्विच को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे में कोई फेलियर आता है तो हम चाहते हैं कि हमारी पावर जो है ना वो कट ऑफ हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं हम हमें लोग पी एल सी को कोई फीडबैक देनी हो तो इस रिले आउटपुट को हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये हमारे पास सिंपल ड्राइंग है इसमें कोई ऐसी आई थिंक बात नहीं है जो सबने समझ के बाहर हो तो इसमें कोई भी आपको मसला है तो आप हमें लास्ट में कॉन्टैक्ट करें हमारी जो टीम है आपको इस पर फोन इसका आंसर देगी